जिला मुख्यालय पर विभिन्न ट्रेडों के कामगारों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बारिश के बीच बिलासपुर में भारी संख्या में पहुंचे कामगारों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया तथा खूब नारेबाजी की तथा सभी यूनियनों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान यूनियनों के सदस्यों ने डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय पर विभिन्न ट्रेडों के कामगारों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बारिश के बीच बिलासपुर में भारी संख्या में पहुंचे कामगारों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया तथा खूब नारेबाजी भी की। सभी यूनियन कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रैली भी निकाली। इस दौरान यूनियनों के सदस्यों ने डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। रैली में विभिन्न ट्रेड यूनियन इंटेक एटेक HMS, C2, IUTUC, TUCC आदि शामिल रहे। ट्रेड यूनियन ने संयुक्त बयान में कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार मजदूर विरोधी नीति अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों को चलते आए दिन लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार नौकरियां देने के वादे में सत्ता में आई थी। इनके खिलाफ आम आवाम को इकट्ठा होकर लड़ना होगा। हम लड़ेंगे साथी, हम आगे बढ़ेंगे साथी और फांसीवादी शक्तियों को शिकस्त देंगे। इन्हीं